मछली पालक किसान भाइयों और बहनों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा एक छोटी परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण मोला मछली के बारे में। इस मोला मछली को, जिसे कहीं कहीं पर मोरला या महुरला भी कहा जाता है, एक जंगली मछली की श्रेणी में आती है। इसका वैज्ञानिक नाम एम्बली फेरिंगोडॉन मोला है। यह भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और वियतनाम आदि देशों में नदियों, जलाशयों, तालाबों, नहरों तथा धान के खेतों में पाया जाता है। इसका आकार लगभग 10 सेंटीमीटर तक की हो सकती है। इसके शरीर का अधिकांश भाग पारदर्शी रहता है। मादा मछली नर से बड़ी होती है, परंतु सफ़ेद रंग का ही होता है। यह प्राकृतिक रूप से वर्ष में 3 बार प्रजनन करती है और लगभग 500 प्रति मादा अंडे देती है। एक मादा से 500, 600, 700 तक रिपोर्ट किया गया है, पर औसत 500 अंडे देती है। इसको एक बार तालाब में यदि आप संचय कर देंगे तो यह कई वर्षों तक रहेगी और इनकी संख्या में वृद्धि होती रहेगी। तो समय समय पर आप चाहें तो इनको निकाल करके आप बिक्री भी कर सकते हैं। इस मछली में कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन के साथ साथ विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होती है। यदि रोहू, कतला या अन्य मछलियों से इसकी तुलना की जाए तो प्रति ग्राम मांस में विटामिन ए की मात्रा मोला मछली में उन मछलियों से अधिक पाई जाती है। इसलिए हेल्थ की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह मछली बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको शरीर को पर्याप्त मात्रा में जो सूक्ष्म तत्व चाहिए, उसके लिए मोला मछली का सेवन करना चाहिए और कई समुदायों में यह बहुत ही चाव से खाई जाती है। यह बहुत ही स्वादिष्ट मछली है तथा भारत के पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में इसकी बहुत अधिक मांग है और दाम भी काफ़ी ज़्यादा है। पश्चिम बंगाल में इसकी कीमत 300 से 400 रुपये प्रति किलो चली जाती है। झारखंड के कुछ ज़िलों में इसका दाम 120, 130 रुपये किलो है, परंतु झारखंड के ही कुछ पूर्वी क्षेत्र के जो ज़िले हैं वहाँ पर इसका रेट जो है वो 300 रुपये प्रति किलो हो गया है। तो आर्थिक दृष्टि से भी इसका पालन काफ़ी लाभदायक है, परंतु इसके बीज का परिवहन थोड़ा कठिन है, क्योंकि पानी से निकलने के तुरंत बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए यदि आपको मोला मछली का परिवहन करना है तो आप पानी में पहले हापा लगा दें और जाल से किनारे आने पर पानी में ही कोशिश करें कि जाल से मोला मछली को निकाल करके और पानी में ही हापा में रख दें और आधे घंटे तक उसका अनुकूलन करें, बाहर से पानी मारे, तो जो मछलियां बच जाएंगी उनका पेट खाली हो जाएगा और वे परिवहन के लायक तैयार हो जाएंगी। इसके बाद उसको ऑक्सीजन गैस में पैक करके आप जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते हैं। इसको कार्प मछलियों के साथ आसानी से पाली जा सकती है, उसमें कोई हर्जा नहीं है। यदि आपके तालाब में पहले से रेहू है, कतला है, मृगल है, कॉमन कार्प है, उसके साथ साथ आप मोला मछली को भी दे सकते हैं। इसके भोजन के लिए आप सरसों की कल्ली, धान का कोढ़ा का प्रयोग कर सकते हैं। ये तालाब के तल में उपलब्ध जो भोजन है उसको खाती है और जो ऊपर से भोजन दिया जाएगा उसको भी खाती है। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में लगभग सभी तालाबों में मोला मछली का संचयन किया जाता है। भारत में उड़ीसा राज्य में पाया गया है कि एक कार्प मोला प्रोजेक्ट वहाँ चल रहा है सरकार की सहायता से, जिसमें सभी तालाबों में कार्प मछलियों के साथ साथ मोला मछली के बीज का भी संचयन किया जा रहा है, जिससे कि ग्रामीण लोगों को मोला मछली आसानी से मिल सके। इसके खाने से गर्भवती महिलाओं और बच्चों को भरपूर पोषण मिलता है और उनके विकास में यह बहुत ही सहायक होता है। ओडिशा में तो जानकारी मिली है कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सहयोग से मिड डे मील में बच्चों को सप्ताह में एक दिन मोला मछली उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे कि उनका मानसिक विकास हो। इसके भोजन के लिए सरसों के खल्ली, धान का कोढ़ा के साथ साथ तालाब में थोड़ा गोबर का प्रयोग कर दे, सिंगल सुपर फॉस्फेट या फिर जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, जैसे कि V5 है, एक्वा मैजिक है, इन सब दवाओं का प्रयोग, फूड सप्लीमेंट का प्रयोग करने से
प्लैंकटनों की संख्या बढ़ेगी और वो इनके वृद्धि में सहायक होगा। मात्र 1 किलो से 5 किलो मोला मछली का बीज डाल देने से कुछ ही दोनों दिनों में तालाब में इनकी संख्या बढ़ जाती है, जिसको समय समय पर आप निकाल करके फांसा जाल का प्रयोग करके बड़ी मछलियों को निकालें और बिक्री करें, इससे आपको लाभ भी होगा। इसका बाज़ार मूल्य 80 रुपये से लेकर के 400 रुपये प्रति किलो है और एक ही राज्य में अलग अलग स्थानों पर इसका मूल्य अलग अलग मिलता है। इसके संचयन से कार्प मछलियों का कोई हानि नहीं है तथा किसान को अतिरिक्त आय का एक साधन प्राप्त हो जाता है। अतः मेरा आपसे अनुरोध होगा कि कुपोषण दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी तालाब हैं, डोभा हैं, उनमें मोला मछली का पता लगाएं कि कहाँ मिलेगा। मेरी जानकारी में जितने भी जलाशय हैं उनमें मोला मछली प्रचुर मात्रा में है। जाल में जब भी आप चट जाल किनारे लगाएंगे तो उनमें आ जाएंगी, फांसा जाल में भी पकड़ाती हैं और उनको तरीके से उनका पैकिंग करके आप जितना अधिक हो सके उनके तालाबों में उनको डालें और इसका उत्पादन बढ़ाएं। इससे राज्य को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। इसके संबंध में और कोई जानकारी लेना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दें। धन्यवाद।